नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगातार 10वें दिन भी बीकानेर के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आगे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग वे हैं जो शिक्षक हैं, 2018 में चयनित हुए, उसके बाद वे बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको 2018 में चयनित होने के बाद मिली है नौकरी, देख सकते हैं जगह जगह से ये लोग हैं, पूरे राजस्थान भर से आए हुए ये लोग हैं, ये शिक्षक हैं। बात करते हैं, देखो किस तरह से ये प्रतीक्षा सूची चयनित की नियुक्ति दो जैसी बात यहाँ पर सामने आ रही है। और ये लोग अपने बुरे दिनों में भी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को जिंदाबाद और जिंदाबाद के नारे देते हैं। देखिए आप यहाँ पर ये तंबू है जो पीछे आप देख रहे हैं, इसी तंबू पे ये लोग लगा के यहाँ पर धरना लगा के बैठे हैं। पब्लिक भी यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि ये सभी चयनित शिक्षक हैं, वो दूर दूर से आए हैं और यहाँ पर धरना लगा के बैठे हैं। हम लोग अब इन लोगों से बात करेंगे कि इन लोगों की क्या डिमांड है। हालांकि हमने आपको पहले भी बताने की कोशिश की इनकी डिमांड, आज फिर हम लोग जानना चाहेंगे। बताएं भैया, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम नरेंद्र शास्त्री है, मैं अलवर जिले की बैरोड तहसील से हूँ और 31 दिसंबर को लेवल प्रथम की लिस्ट है और 11 जनवरी को लेवल सेकंड की लिस्ट आई। विभाग ने जिला आवंटन और दस्तावेज सत्यापन अनेकों कार्य करवा दिए हैं, लेकिन चयन से वंचित और पहले से पोस्टेड कुछ शिक्षकों ने कोर्ट में गलत तथ्य पेश करके अंतिम नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे ले लिया है। हम सभी चयनित शिक्षकों की एक मांग है कि हम 6 माह से मानसिक अवसाद को झेल रहे हैं, कोर्ट में हमारी नियमित रूप से सुनवाई नहीं हो पा रही है। मंत्रियों के पास आते हैं तो केवल और केवल आश्वासन मिलते हैं, सकारात्मक आश्वासन मिलते हैं, नकारात्मक आश्वासन मिलते हैं, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। और लगभग 85 दिन की सुनवाई के बाद 28 तारीख को हमारा केस लिस्टेड होना है और उसमें अभी तक एक कॉज लिस्ट 27 तक की आ चुकी है और हमारा केस अभी तक नंबर नहीं आया है। 28 को जो केस की सुनवाई है उसकी कॉज लिस्ट कराने की संभावना है। हमारी सरकार से यही मांग है कि 28 की सुनवाई में एजी साहब को बुलवा करके हमें न्याय दिलवाए, हमारी नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता अपनाए। ये जो अनशन है वो हमने सोच समझ करके धरना प्रदर्शन शुरू किया है। अभी आप देख रहे हो सैकड़ों संख्या में, अगर हमारी नियुक्ति प्रक्रिया का मार्ग नहीं खुलता है, हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है, तो आज 100 हैं और कल 400 भी आएंगे और यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो जाती। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह परमार। कहाँ से हैं? धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से। धौलपुर से हैं। मांग बराबर आप लोगों की कई दिनों से, लगातार दस दिनों से आप धरना दे रहे हैं, लेकिन कहीं सफलता हाथ लगी नहीं दिखा। सकारात्मक पक्ष तो है, गवर्नमेंट कहती है लेकिन आश्वासन देती है, आश्वासन देने हमें नियुक्ति चाहिए। लगता है आपको? हाँ लगता तो है, गवर्नमेंट चाहती है। आप बताएं। जी लगता है गवर्नमेंट चाहती है, पर हमें 28 तारीख को फैसला करवाएं हमारा, हमको नियुक्ति दें, बस यही हमारी गवर्नमेंट से प्रार्थना है। देखिए एक माता जी भी यहाँ पे है, क्या कितनी उम्र है माता जी आपकी? 70 वर्षीय माता जी है। क्या नाम है आपका? केसर देवी है। कहाँ की रहने वाली है? करनपुर की। यहाँ पे आप ये जो नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं, आप यहाँ पर किसके लिए आई हैं? पोती। पोती की नियुक्ति के लिए? अच्छा, वो पोती हैं आपकी, तो ये आप यहाँ आना है? अच्छा, ये आपकी दादी जी हैं क्या? तो क्या ये आपकी नियुक्ति के लिए आई हैं? कैसे मतलब ये यहाँ पे पहुँची, इनको आप लेके आई हैं साथ? क्या बोल रहे हैं ये, क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं नियुक्ति लेके जाएंगे। आपके क्या, आपका क्या कहना है सर? हम यही कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांग जो है मान ले और हमें नियुक्ति प्रदान करे। तो अभी तक मांग नहीं रही है, 10 दिन हो चुके हैं आप लोगों को? 10 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए और हम बहुत मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं, तो हम सरकार से सिर्फ यही निवेदन करते हैं कि 28 तारीख को जो है हमारी सुनवाई करवा के, अंतिम सुनवाई करवा के हमें नियुक्ति प्रदान करे। कब चयनित हुए थे आप? 18 बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं भी यही धरना स्थल पर इसीलिए आई हूँ अपनी छोटी बेटी को लेकर कि जल्द से जल्द सरकार हमारी सुने और हमें नियुक्ति प्रदान करे। क्या काम करते हैं अभी आप? अभी मैं तो गृहिणी हूँ, हाउसवाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो LDC हैं पंचायत स्तर पर। लेकिन अब नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है? नौकरी की बहुत ज़रूरत है इसलिए यहाँ खड़े हैं। अभी छोटी सी बच्ची को लेकर मैं यहाँ आई हूँ। छोटी बच्ची की क्या नाम है इसका? क्या नाम बेटा आपका? यहाँ क्यों आई हो? नहीं पता। देखिए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको नहीं पता क्यों आए हैं ये बात कहते हैं। दीपक जी बताएं आपका क्या? सर हमारा जो मामला है वो रीट 2018 का है, जिसमें जॉइनिंग हमें नहीं दी गई है। पिछले 7 महीने से हम
बहुत ही पीड़ा सह रहे हैं। कोर्ट स्टे के कारण नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। करीब पिछले कई हमारी सिंगल बेंच में सुनवाई हुई, लेकिन कोरोना काल के कारण हमारे 3 महीने खराब हुए। कोरोना काल के बाद ग्रीष्म अवकाश आ गया। ग्रीष्म अवकाश के बाद में कोर्ट खुले, उसके बाद में भी हमारी यही मांग थी पहले कि हमें अर्ली हियरिंग लगवाकर और नियुक्ति दी जाए, लेकिन अर्ली हियरिंग किसी कारणवश सरकार नहीं लगा पाई। अब हमारी जो सुनवाई है वो 28 जुलाई को होने वाली है। 28 जुलाई की सुनवाई में हमें सभी चयनितों की यही मांग है कि एजी साहब से सख्त पैरवी करवाएं और हमारी पीड़ा को समझते हुए हमें इस पीड़ा से बाहर निकालें। देखिए, राजस्थान की गर्मी कुछ खास होती है और राजस्थान की गर्मी में खासतौर पर बीकानेर और चूरू का नाम ऐसा नाम है जहाँ पर तेज़ गति से तेज़ गर्मी पड़ती है, सूरज तपता रहता है। इस तेज़ तपन में आप लोग धरना लगाकर तंबू में बैठे हैं, आम जो घरों में लोग बैठे हैं उनको कूलर और एसी उनके लिए कम पड़ते हैं, उनसे गर्मी नहीं दूर होती। आप लोगों की क्या हालत रहते हो? देखिए सर, गर्मी का बताएं तो गर्मी यहाँ पे, हमें भरतपुर बयाना से हूँ, तो हमारे यहाँ के क्षेत्र की यदि गर्मी को देखें और बीकानेर की गर्मी को देखते हुए हमारे यहाँ से यहाँ पर कम से कम 3 गुना गर्मी पड़ती है। तो हमारे जो माहौल में हम रहते हैं, हम पहले दिन यहाँ पे आए थे तो उस दिन भीषण गर्मी थी, लगभग टेम्परेचर 45 के आसपास होगा उस दिन। तो इतनी भीषण गर्मी थी, हम 3 साथी थे, 3 हमारे लोकल साथी थे हमारे साथ में, तो हमने बहुत मेहनत की, यहाँ पे पड़ाव डाला। उस दिन तो हमारी हालत बिल्कुल ऐसी खराब हो गई थी कि हम कहाँ पर आ गए। जैसे जैसे सभी साथियों का प्यार मिलता रहा, संख्या बढ़ती रही, अब भीषण गर्मी में ऐसी हालत हो जाती है, यहाँ पर पूरे दिन लू चलती है, तो सभी साथी हमारे कहीं कहीं अपनी अपनी व्यवस्था से इस दिन का गुजारा करते हैं। रात को भी हमारे पास, हम बेरोजगार हैं, हमारे पास पैसा वैसा तो कुछ है नहीं, जो भी हम कलेक्शन करते हैं छोटा मोटा उससे दिन का खाने पीने का गुजारा निकाल लेते हैं। कूलर पंखे की हम व्यवस्था कर नहीं सकते क्योंकि हमें पैसे की कोई भी व्यवस्था हमारे पास नहीं है, तो हम छाया में कैसे भी, रात को भी इतनी गर्मी पड़ती है। कई कई साथियों का तो मेरे से ये भी कहना है कि हमारे पूरे दिन जो कपड़े हैं वो गीले ही रहते हैं, हमेशा कभी सूखते ही नहीं हैं। इतनी गर्मी में आके हम वहाँ से यहाँ आए, हमें पूरी आशा है कि गवर्नमेंट हमारी जल्द सुनेगी और हमें स्कूलों में पहुँचाएगी। देखिए, आप बताएं आपका क्या कहना है। हाँ सर, मेरा नाम नेमी चंद आदित्य है, नागौर से हूँ। हमारा ये है कि एजी साहब को फिर 28 जुलाई को सख्त से सख्त पैरवी करवाई जाए, और उसके अंदर ये है कि हमारे संघर्षशील मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे ये डिमांड है कि भाई हमारी जल्द से जल्द सुनवाई करवा करके 28 जुलाई को पैरवी करवा करके नियुक्ति प्रदान करें। और हमारे को पूर्ण रूप से विश्वास है मुख्यमंत्री जी पे, क्योंकि हमारी लिस्ट ही मुख्यमंत्री जी के कहने पर ही जारी हुई, क्योंकि पहले जारी करने के लिए मना भी कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में संघर्षशील मुख्यमंत्री, हमने आगे भी प्रदर्शन किया था तो हमारे को नियुक्ति का रास्ता भी साफ हुआ था, ठीक है। अब हम आगे और भी यही कोशिश करते हैं कि भाई कल से लिस्टेड हो जाए और एजी साहब का नाम आए, और 100% हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, ठीक है, 28 तारीख को हमारी सुनवाई होगी और नियुक्ति प्रदान करा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूर्य प्रकाश है सर, मैं यहाँ बीकानेर से ही हूँ। अच्छा, और पिछले 11 दिनों से हम घर को छोड़ के यहाँ बैठे हैं। मैं तो चली लोकल हूँ, फिर भी यहाँ बीकानेर राजस्थान के प्रत्येक जिले से बच्चे के लेके लेडीज आई हुई हैं, वृद्ध माताएं आई हुई हैं, और वो खुले आसमान में इसीलिए बैठे हैं कि उनका एक ही उद्देश्य है कि हमें नियुक्ति मिले। तो मेरा सरकार से इतना ही निवेदन है कि जब हर प्रकार की ज्वाइनिंग हो रही है, सब कुछ काम हो रहा है, तो हमारे काम पे आखिर रोक क्यों है? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से यही निवेदन करूंगा कि 28 तारीख को जो हमारी सुनवाई है उसके अंदर शिक्षा एजी साहब को भेज के जल्द से जल्द हमें नियुक्ति प्रदान करें और हमें विद्यालयों में भेजें। धन्यवाद। नमस्ते सर, मेरा नाम माधव शर्मा है, भरतपुर से आया हूँ। मेरा निवेदन यही है कि एजी साहब धमाकेदार पैरवी करके स्टेट तोड़वाएँ और जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिलवाएँ अपनी संस्था। चलो, नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद क्या यहाँ सब भाइयों में, सब साथियों में क्या खिलाएंगे आप? मिठाई खिलाएंगे सर। सब मिठाई खिलाओगे? भरतपुर की क्या मिठाई प्रसिद्ध है? सर यही नॉर्मल मिठाई, अपने बर्फी वगैरह, चूरमा बाटी दाल। चूरमा बाटी दाल? जी सर, चूरमा बाटी दाल तो बीकानेर की भी बहुत फेमस है। हाँ सर, हमारे यहाँ की फेमस है। आपसे बात करेंगे, आप आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम रेखा शर्मा है, मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और यहाँ पे 2018 की ज्वाइनिंग के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ 28 जुलाई की सुनवाई हमारी अंतिम सुनवाई हो, इसके आगे अगर ये सुनवाई आगे चलती है तो हम इस बोझ को नहीं सहन कर पाएंगे। मैडम, किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं? बहुत परेशानी, मेरी मदर बहुत बुरी तरीके से बीमार है, मैं उनको छोड़ के आई हूँ, बच्ची को छोड़ के आई हूँ, और घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब गवर्नमेंट है, मतलब आर्थिक रूप से बहुत लाचार है, इसलिए जॉब की सख्त जरूरत है। चलिए, आप जी, आपका नाम बताएं। सर, मेरा नाम है,
लेकिन सिलेट में सिलेक्शन के बाद वो भी छोड़ दी मैंने, और अब सिलेट सिलेक्शन होने के बाद 6 महीने से बेरोजगार हो गए। जो रोजगार था वो भी चला गया, नहीं तो सरकार को अगर नियुक्ति नहीं देनी थी तो पहले ही हमें सिलेक्शन नहीं देना था, नहीं तो 6 महीने तक नियुक्ति दे देनी चाहिए थी सरकार हमारे लिए। हम मैं सरकार से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति दे, और है ना 28 तारीख को हमारा केस स्टेट होगा, उसमें तेजी साहब पैरवी करें और हमारा फैसला करवाए। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति। क्या क्या कारण माने कि सरकार ने अभी तक नियुक्ति नहीं दी है, आप क्या सोचती हैं? सर कुछ शरारती तत्वों के द्वारा ये की गई है, और न तो वो दूर दूर तक उनका सिलेक्शन होने वाला है, और कुछ ऐसे हैं कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो चाहते हैं कि हम लोग सिलेक्टेड है लेकिन लटके रहे हैं। अब है ना, हम ये चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हुआ है तो हम लोगों को ज्वाइनिंग मिले। हम लोग हमारे परिवार को छोड़ के इतनी दूर से यहाँ रह रहे हैं, और ये धूप तपती हुई धूप के अंदर रहते हैं, प्लास्टिक है इसके अंदर, कभी बारिश आ जाती है तो कभी भीगते हैं, कभी यहाँ पड़ते हैं कभी वहाँ पड़ते हैं। अब हम सरकार से ये चाहते हैं कि जल्दी से नियुक्ति हो जाए, 6-6 महीने अगर घर से ऐसे, और नहीं हम लोग यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलती हम यहीं रहेंगे। और लड़कियाँ सड़कों के ऊपर पड़ी हुई हैं तो सरकार की बेइज्जती होती है, लेकिन सरकार हमारे लिए एक्टिव ही नहीं हो रही। 28 तारीख को सरकार को सुनवाई करो। तो आपका कहने का मतलब है नाथी का बड़ा जिसको कहा जा रहा है सरकार, वो क्या सरकार नाकाम सरकार है? सर बिल्कुल नाकाम सरकार है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए सर हमारे लिए उचित पैरवी करे, और हम सरकार के साथ है लेकिन सरकार हमारे लिए पैरवी नहीं करेगी तो हम सरकार के खिलाफ भी जाएंगे। अब तक हम सरकार के साथ है लेकिन अगर पैरवी नहीं हुई और हमारे को तारीख पे तारीख मिलती रही तो फिर हम सरकार के साथ कैसे हो सकते हैं? हम बेरोजगार हैं, हमको रोजगार चाहिए। जो सरकार हमें रोजगार देगी हम उस सरकार के साथ रहेंगे। अब तक हम सरकार के साथ हैं, सरकार ने हमारे को यहाँ तक पहुँचाया है, AG साहब को पैरवी करवाई है, अब लेकिन ये अंतिम पैरवी होनी चाहिए और सरकार के द्वारा अंतिम पैरवी करवा के। आप अभी तक कई मंत्रियों से मिल चुके होंगे? हमने सचिवालय के चक्कर काट लिए, हमने CMO के चक्कर काट लिए, हम जयपुर में वकीलों के पास चक्कर काटते हैं, जोधपुर जाते हैं हमको चक्कर काटते काटते 6 महीने हो गए। और हम सर एक व्यक्ति अगर प्राइवेट जॉब छोड़ता है और उसका रोजगार चला जाता है तो वो हर जगह धक्के खाता है, मैंने कितनी जगह धक्के खाए। लेकिन अब सरकार अंतिम में ही सरकार से ये चाहती हूँ कि 28 तारीख अंतिम और हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। चलिए आप बताएं आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सतवीर है, मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम सभी को नियुक्ति दी जाए। जल्द से जल्द नियुक्ति जाए, 28 तारीख लास्ट डेट है सुनवाई। जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। देखिए ये लोग हैं जगह जगह से हैं, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम कमलेश है और मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमारी स्थिति सर ऐसी हो गई है कि धोबी का कुत्ता घर के ना घाट का। तो इस कोरोना काल के अंदर हम बेरोजगार तो वैसे ही थे और प्राइवेट जॉब थी, स्कूलों में काम करते थे, वो प्राइवेट स्कूल वैसे भी बंद है। तो हम शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करते हैं कि हमें जल्द से जल्द 28 तारीख को हमारी AG साहब से सुनवाई करवाएँ और हमें जल्दी से जल्दी स्कूलों में पहुँचाएँ, जिसके लिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं। इनकी शिक्षा मंत्री महोदय की वजह से ही हमारी जो लिस्ट आई थी, माननीय अशोक जी गहलोत की वजह से ही हमारी लिस्ट आई थी। तो एक कृपा सर और करें, हमें जल्दी से जल्दी स्कूलों में नियुक्ति प्रदान करें। धन्यवाद सर। क्या नाम जी? मदन मोहन, भरतपुर। सरकार के आशीर्वाद से हमें लिस्ट। भरतपुर से कितने लोग आए हैं आप लोग? भरतपुर से काफ़ी लोग हैं सर। सरकार के आशीर्वाद से ही हमें लिस्ट प्राप्त हुई थी, तब हमें ऐसा लग रहा था हम रोजगार हो जाएंगे, लेकिन अभी तक हमें रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। करीब 7 महीने का टाइम हो गया है, मानसिक अवसाद में ऐसे विचार आते हैं कि आत्महत्या कर ली जाए। इस परेशानी को देखते हुए आर्थिक रूप से तंगी है, कोरोना की स्थिति है, इसमें हम इतने परेशान हो चुके हैं कि तपती धूप में सड़कों पर पड़े रहते हैं। लेकिन हमारी पैरवी है सरकार सख्त से सख्त करवा कर 28 जुलाई को अंतिम सुनवाई के रूप में हमें स्कूलें भेज कर राहत प्रदान करने की कृपा करें, जिससे हम देश का भविष्य बना सकें और अपनी रोजगारी के बेरोजगारी के दलदल से निकल सकें। नहीं आप लोग अभी हमने देखा 2-4 दिन पहले भी आपको, हालांकि 10 दिन हो चुके हैं, आप लोगों ने भीख भी मांगी, इन लोगों ने भीख भी मांगी आपको बताना चाहूँगा, और इन लोगों ने मुर्गा बनकर प्रदर्शन भी किया, काफ़ी कुछ जो शिक्षकों को जो नहीं करना चाहिए वो चीज़ें आपने की। क्या अब माने क्या भूख हड़ताल पर भी जाने का? जी बिल्कुल, हमारा अब भूख हड़ताल पर जाने का मन है, और जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, क्योंकि भूख हड़ताल हमारे लिए इससे बेटर है कि हमें आत्महत्या करनी पड़े। इस प्रकार के अवसाद हमारे दिमाग में आते रहते हैं और हम चाहते हैं सरकार से गुहार लगाते हैं कि अंतिम सुनवाई करवा कर 28 को AG साहब से सख्त पैरवी करवा कर हमें नियुक्ति दी जाए। चलिए आप बताएं आपका क्या कहना है, आप भी क्या यहाँ जॉब की नियुक्ति के इंतजार में है? नियुक्ति के क्या नाम है? रतन सिंह पवार सर। कहाँ के हैं? बीकानेर लोकल। बीकानेर से। तो अभी अंडर एज ही हैं? जी सर मैं 45 ईयर हूँ। तो आप क्या किस कैसे सेलेक्ट कब हुए थे? 2018 में। फिर अब क्या बोल रहे हैं आपको सेलेक्ट नियुक्ति के लिए?
नियुक्ति के यही है सरकार से प्रार्थना कि हमारे एजी साहब से पैरवी करा के और जल्दी से जल्द नियुक्ति दिलाए। नहीं करते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं तो आमरण अनशन करेंगे सर। भूख हड़ताल और आमरण अनशन, आप बताएं क्या कहें। मैं धर्मराज वशिष्ठ जयपुर से आया हूँ। देखो सरकार मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, शिक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद से जो लिस्ट आई है तो सबके जो 3600 जो परिवार हैं उनके सपने जोर में खुशी आई। अब उनमें से लगभग 2200-2300-70% की जिनकी ज्वाइनिंग हो गई बाकी रह गए। अब उनकी सबसे प्रार्थना, सब ये प्रार्थना करते हैं कि जो 28 तारीख है उस दिन जो एजी साहब हैं वो इसकी पैरवी कराकर इस भर्ती का निस्तारण करके सबको नियुक्ति दे और हम मुख्यमंत्री से यही प्रार्थना करवा रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने कुछ पूर्व भी तैयार किया है बताएं क्या? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सर, हम बीकानेर की पावन धरा पर आए, लोगों का हमें बहुत प्यार मिला यहाँ पर, लेकिन एक छोटी सी हमें यहाँ से एक शिकायत रही है। वो शिकायत ये कि जैसे कि हमारे जन सेवक हैं यहाँ पर, हम पिछले 10 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगभग मीडिया के माध्यम से ऐसा मेरा मानना है कि एक भी जनसेवक न्यूज़पेपरों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से एक भी जनसेवक ऐसा ना होगा जिसे ये मालूम ना होगा कि हमारे राजस्थान के विभिन्न सभी जिलों से यहाँ पर अभ्यर्थी शिक्षा संकुल के शिक्षा निदेशालय के आगे बैठे हुए हैं। क्या कारण है उनको जानने की किसी की इच्छा नहीं हुई सर। ये हमारी थोड़ी सी यहाँ के जनसेवकों से शिकायत थी कि जैसे भी हो आपको सभी को सूचना ये मिल ही रही है कि यहाँ पर बैठे हैं तो एक बार हमारे पास आके हमें ढांढस बनाएं, क्या मामला है वो समझे हमारा। दीपक जी ये बताएं, आप लोग पूरे राजस्थान जगह से हैं जी सर। अब तक अगर हम माने तो राजस्थान में 200 विधायक हैं जी सर। 200 विधायकों में से किन किन विधायकों ने इस बारे में आपसे कुछ पूछताछ की है? जब से हमने सर यहाँ पर 10 दिन महापड़ा 200 विधायकों में आपके भरतपुर से भी लोग हैं, बयाने से भी हैं। नहीं जी बिल्कुल सर जी। जैसे हमने 10 दिन से यहाँ पर महापड़ाव डाला है, आज तक हमारे पास कोई भी जनसेवक यहाँ पर नहीं पहुँचा है, ना ही किसी का कॉल आया है किसी की कि क्या कारण है भाई। हालांकि हमने जयपुर में भी बहुत फील्ड वर्क किया था, सभी मंत्रियों से हम मिले हैं, हमें 6 महीने से या 7 महीने हो गए आज, तो 7 महीने से हमें केवल उनकी तरफ से आश्वासन मिल रहा है कि मामला हमारे संज्ञान में है, चल रहा है, आप जल्द ही स्कूलों में होंगे। तो 6 महीने से हम यही चीज़ सुन रहे थे, हमें मजबूरन एक सरकार को एक चिन्हित करते हुए कि हम यहाँ पर अब पड़े हुए हैं, घर वालों के ने भी ये कह दिया कि भाई अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, आगे की तैयारी करो। हम मानसिक दबाव में इतने हैं सभी भाई बहन कि ना हम किसी आगे की तैयारी कर सकते हैं ना कुछ। और तो हमने अंतिम निर्णय यही लिया था कि जब हमारे घर वाले हमारा साथ दे नहीं रहे, सरकार हमारे को स्कूल में पहुंचा नहीं रही, तो हमने अंतिम निर्णय ये लिया था कि हम शिक्षा निदेशालय के आगे बैठ जाएंगे, यदि सरकार सुनती हमें स्कूलों में पहुँचाती तो हम स्कूलों में एक सद्भाव से और एक अच्छे ढंग से जाके और भविष्य का निर्माण करेंगे। कुछ तैयार किया है जी सर, वो बताएं जी सर। मैं हमने एक हमारे सभी साथियों ने एक दो दिन पहले जो हमारा शुरू से जो संघर्ष चलता आ रहा था, जैसे डेढ़ साल हमने कोर्ट केस लड़ा, उसके बाद में लिस्ट आई, ऑर्डर आया कोर्ट का कि भाई लिस्ट निकालो, उसके बाद में लिस्ट आई, फिर कोर्ट स्टे आया, उसको लेकर मैंने एक मुक्तक तैयार किया था, उसको मैं बताना चाहता हूं। क्या सभी लोग गाएंगे साथ ही साथ मिलके? जी सर मेरा सभी साथ देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो देखिए दीपक शर्मा जो की तैयारी करके बता रहे हैं अपना। रीट 18 की जब से लिस्ट आई थी, रीट 18 की जब से लिस्ट आई थी, सभी चैनितों के चेहरे पर खुशियां मडराई थी, सभी चैनितों के रीट 18 की जब से लिस्ट आई थी, सभी चैनितों के चेहरे पर खुशियां मडराई थी, सभी चैनितों के चेहरे पर खुशियां मडराई थी, लेकिन मामला जब कोर्ट स्टे का था आया था, लेकिन मामला जब कोर्ट स्टे का चैनितों के चेहरे पर दुखी का पार मडराया था, चैनितों के चेहरे पर दुखी का पार मडराया था,
अठारह की लिस्ट आई थी, जब से नीट अठारह की लिस्ट आई थी। विक्रम सारण खुद अपने ऑर्डर पर शर्माया था, विक्रम सारण अपने ऑर्डर पर शर्माया था। राजेंद्र का हर का प्रयास भी विफल नजर आया था, राजेंद्र का हर का प्रयास भी विफल नजर आया था। इसको देखते हुए नमी चंद आगे था भागा, इसको देखकर इसको देखते नमी चंद भी आगे था भागा, इसको देखकर नमी चंद भागा था। सभी चैनितों ने नमी चंद का हाथ था थामा, सभी चैनितों ने नमी चंद का हाथ थामा। जेपी शर्मा भरतपुर भी इसी प्रयास में आया, जेपी शर्मा भरतपुर भी इसी प्रयास में आया। सभी चैनितों ने भी उनको भी ढाढ़स बंधाया, सभी चैनितों ने उनको ढाढ़स बंधाया था। दीपक शर्मा बयाना ने भी काफी भाग दौड़ की थी, दीपक शर्मा बयाना ने काफी भाग दौड़ की थी। जयपुर से काम पूरा कर बीकानेर धरती चूमी थी, जयपुर से काम पूरा कर बीकानेर धरती चूमी थी। 16 जुलाई आई थी, 16 जुलाई आई थी। दीपक ने छाती से लगाई थी, दीपक ने छाती से लगाई थी। शिक्षा निदेशालय के सामने था महापड़ाव डाला, शिक्षा निदेशालय के सामने महापड़ाव डाला था। सभी भाई बहनों ने का साथ आगे आकर निभाया था, सभी भाई बहनों ने साथ निभाया था। देखिए बड़ा शानदार गीत पेश किया, इसमें मुझे लगता है लगभग आपने अपने जितने भी यहाँ के जो साथी हैं उनका नाम आपने सबका नाम ले लिया, लगभग सबके जो संघर्षरत साथी हैं उनको आपने कहीं ना कहीं एक पहचान देते हुए और उनका नाम है जो दबाने की कोशिश नहीं की। परिवार की अगर स्थिति की बात करें तो किस तरह की परिवार की स्थिति आजकल आप लोगों के परिवारों में हो रही है, लोग क्या फ़ोन कर कर पूछ रहे हैं आपके पापा मम्मी आपके मासा मासी क्या? देखो सर, परिवार की स्थिति यदि सभी की यदि मजबूत होती तो शायद कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं। वो क्या पूछते होंगे कि धरने पर बैठे हो तुम? जी सर, जब भी जैसे मैं मेरा निजी बताता हूँ सर, जब भी पिताजी का कॉल आता है तो एक नेतृत्व के रूप में जैसे मैं यहाँ पे हूँ और सभी भाई बहनों का जो प्यार मिल रहा है, तो पिताजी का जब भी मेरे पास कॉल आता है तो उन्होंने मेरा हमेशा हौसला बढ़ाया है कि जब काम थाम लिया है तूने तो इसे को पूरा कर ही यहाँ पे लौटना, वरना मेरे घर पर मत आना सर। तो देखिए लगभग ये बात कही जा सकती है कि दूर दूर से यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं और इनका प्रदर्शन भी खासा अच्छा प्रदर्शन, और यहाँ पर तमाम लोग हैं उनकी एक बात है उम्मीद ये की जा सकती है कि भीख मांगने के बाद में अब मुर्गा बनकर प्रदर्शन करने के बाद में अब ये भूख हड़ताल पर न उतर जाए, तो कृपया जल्द से जल्द इन्हें नियुक्ति मिले, तभी ये सब कुछ संभव हो पाएगा और अपने घर पर कुशलता के साथ लौट पाएंगे। नमस्कार मित्रों, फिर होगी मुलाकात।